ये मटेरियल डिपेंडेंट चीज़ है और टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही। इसके अलावा एल ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेंथ, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी अगर किसी रजिस्टर का लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे एल का मतलब लेंथ है, तो लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ कौन सी लेंथ, वो लेंथ जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, यानी लेंथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव, यानी जिस लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक साथ कितने सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में शामिल होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। यानी अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इसका मतलब एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर सकते हैं, और एरिया कम है तो उसमें एक साथ कम इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। नहीं, मान लिया हमने इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, यहां पर वी का वोल्टेज डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी लेंथ चलना है ना। यहां अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इतनी लेंथ चलना है। अब कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये वो एरिया। एरिया ज्यादा मतलब कि मूव उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कर मूव उतना ही लेंथ करना है, बट इसमें कम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा एरिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? R इक्वल टू रो एल ए में रो नहीं बदलता, मटेरियल पे डिपेंडेंट है। L और A ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा रजिस्टर किस शेप और साइज का बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक रेक्टेंगुलर शेप का हम लोगों ने एक रजिस्टर बनाया है, यहां A और B के अक्रॉस अगर हम बैटरी लगाते हैं तो C और D के अक्रॉस, तो E और F के अक्रॉस। यही क्वेश्चन है वो एक्स वाई जेड वाला, 16th शायद था, 16th था ना, हाँ। तो अगर हम ऐसे बैटरी लगाते, बताओ A और B के अक्रॉस, तो कितना लेंथ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 4A, और कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व होंगे, 2A square. क्या 2A लंबाई है और A चौड़ाई है, तो इतने एरिया के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी A और B के अक्रॉस अगर बैटरी लगाई जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, आर ए बी कितना आएगा, रो इंटू लेंथ, फॉर्मूला क्या, रो एल बाई ए, तो लेंथ कितना 4A और एरिया कितना 2A. अगर यही कोई C और D के अक्रॉस बैटरी लगाता है तो कितना लेंथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, A. कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इतने फेस का। बेसिकली हम इस प्लेट पे पोटेंशियल हाई कर रहे हैं और नीचे वाली प्लेट पे लो कर रहे हैं, तो कितना लेंथ चलेंगे, A. और कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रेवल करेंगे, 2A into 4A. क्या बात समझ में आ रही है, 2A into 4A. अगर E और F के अक्रॉस बैटरी लगाई गई है तो कितना लेंथ चलेंगे, 2A लेंथ चलेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये एरिया है। तो क्या तीनों केस में R लिख सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम, R AB मैंने लिख दिया है, R CD क्या होगा, R EF क्या होगा, और फिर इसको कंपेयर करना है कौन ज्यादा कौन कम। एक ही ब्लॉक में तीन तरह के रेजिस्टेंस आएंगे, कैसे बैटरी लगाई है उस पर डिपेंड करता है। हाँ भाई, C और D के क्रॉस रेजिस्टेंस लिख दिया है, R क्या होगा, रो लेंथ कितना, A, C और D के क्रॉस बैटरी लगाओगे तो A लेंथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और एरिया कितना, 2A into 4A. फिर E और F के लिए लेंथ कितना है, 2A upon A into 4A. तो हम सबका रेजिस्टेंस लिख देते हैं, एक ऐसे ही कट जाएगा, ये आंसर आ रहा है 2ρA, इसका आ रहा है ρ/8A, और इसका आंसर आ रहा है ρ/2A. ये तीन आंसर आ गए हैं, ρ/A तो सब में है,
बस नंबर से पहचानो, एक वन बाय एक टू है, एक वन बाय एट है और एक वन बाय, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? आर ए बी सबसे ज्यादा है, देन आर ई एफ सबसे उससे कम है, और सबसे कम क्या है? सी डी, उसमें एट से डिवाइड है इसलिए सबसे कम है। ये कंपैरिजन कर सकते हैं, यही डायग्राम उसका था 16 यानी 17, कौन सा क्वेश्चन था 16, क्लियर हो गया यार? इसमें नाम एक्स वाई वाई जेड ऐसे कुछ लिखा था, हो गया यार? एक हॉलो सिलेंडर है, रो की रजिस्टिविटी है और अंदर से खाली है। सोचो एक प्लेट यहां चिपकाई जाए और उस पर एक निगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए, और एक प्लेट यहां चिपकाई जाए, ऑब्वियसली इतने हिस्से में खाली है वो, एक प्लेट यहां चिपकाई जाए और उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया जाए, तो बताओ ये लेंथ एल दे रखा है, इसके आर वन से लेके आर टू के बीच में मटेरियल है, आर वन रजिस्टेंस तक खाली है और आर वन से आर टू के बीच में मटेरियल है, रो की रजिस्टिविटी है, तो बताओ इसका रजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा? रो एल अपॉन क्या पाई आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला कभी पढ़ा है तुम लोगों ने बचपन से लेके अब तक? नहीं, हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर पढ़ा है किसी सर्किल का एरिया, सर्किल का या डिस्क का एरिया, तो हमें अगर इतने हिस्से में मटेरियल है तो बस इतने हिस्से का तो एरिया लाना है, वहां मटेरियल ही नहीं है तो उसके रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका एरिया कैसे लाओगे? बड़े वाले एरिया में से, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर टू स्क्वायर माइनस वो होल स्क्वायर, नहीं मैं कई बार गलत करवा चुका हूं तुम लोगों से, लेकिन तुम लोग हर बार आदत से मजबूत हो, क्लियर है यार? ये कोई दिक्कत है? नोट करते जाएं, इसका भी नोट कर लें, फेमस है काफी। एक ही सिलेंडर बनाना है बस, एक ही डायग्राम बनाना है। ए और बी के अक्रॉस या एक्स और वाई के अक्रॉस हमने बैटरी लगाई है, तो लेंथ कितना ट्रेवल करेगा वो सीधे सीधे दिया है, एरिया बस हमें सोचना था, तो जितने मटेरियल का एरिया है बस वो सोचना था, और वो एरिया है पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। एक वायर को जो कि एल लेंथ का है, उसके साथ उसी मटेरियल का एक वायर जोड़ दिया गया है, उसी मटेरियल का उसी एरिया का एक वायर बगल में जोड़ दिया गया है। पहले यार इसके अक्रॉस अगर कोई बैटरी लगा रहा था तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होगा, अब मुझे बताओ नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ, रो इंटू टू एल बाई ए, सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला, लेंथ डबल हो गई, तो नया रेजिस्टेंस क्या, पुराने रेजिस्टेंस को अगर मैं आर कह रहा हूं तो नए रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? टू आर हो गया, बात क्लियर है? अगर उसको एन टाइम्स कर दिया जाता तो एन आर, सीधे सीधे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है, हमने वायर को बगल में ऐड किया है, अब खींच के हम खींच के लंबा करने वाले हैं, अभी हमने ऐड करके लंबा किया था, अब हम खींच के लंबा कर रहे हैं। सोचो एक वायर पहले एल लेंथ का था और उसको हमने खींच के लंबा किया, स्ट्रेच किया है, या इसको हमने गला के मेल्ट करके इसका हमने एक लंबा वायर बनाया है, दोनों एक ही बातें हैं। उसी मटेरियल को यूज करके पहले हमने एल लेंथ का बनाया था, अब हम कितनी लेंथ का बना रहे हैं? टू एल लेंथ का। तो मुझे बताओ अगर हम इसकी लेंथ खींच के लंबी करेंगे या रीकास्ट करके दोबारा मटेरियल को गला के बनाएंगे तो क्या एरिया वही रहेगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से कह सकते हैं, शुरू में वॉल्यूम और बाद में वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? पहले वॉल्यूम किसी चीज का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है कि नहीं? अब नया लेंथ कितना हो गया है? डबल। तो नया एरिया कितना हो जाएगा? पुराने वाले एरिया का आधा। तो अगर मैं पुराने रेजिस्टेंस को लिखना चाहूं तो लिखूंगा रो एल बाई ए, नए रेजिस्टेंस को क्या लिखूंगा? रो
2L बाई ए बाय टू। लेंथ यहां डबल हो गई, ऊपर से एरिया घट गया, दोनों ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या 4 टाइम्स रो एल बाई ए लिखा जा सकता है या 4 टाइम्स पुराना आर लिखा जा सकता है। तो क्या अगर हमने एन टाइम खींचा है तो उसका रेजिस्टेंस लिख पाएंगे? बताया नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इनटू, अगर मैंने इसको खींच के एनएल कर दिया है तो बताया लेंथ कितनी हो गई एनएल और एरिया कितना हो गया होगा ए बाई एन। तो ये क्या एन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए, यानी क्या एन स्क्वायर आर। बात क्लियर है? खींच के लंबा करना अलग चीज है, ऐड करके लंबा करना अलग चीज है। बात क्लियर है भाई? नोट करें, इसमें कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रेच करके लंबा किया है तो लेंथ से रेजिस्टेंस की क्या प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे मैंने अभी पूरे स्टेप करके दिखाए हैं, मुझे बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अगर मैं किसी चीज को खींच के लंबा करता हूं तो केवल एल बदलेगा या एल और ए दोनों बदलेंगे? दोनों बदलेंगे। क्या नहीं बदलेगा? उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? मैं कहता हूं किसी चीज की प्रोपोर्शनलिटी तय करना हो तो हमारे फॉर्मूले में अगर आर की प्रोपोर्शनलिटी एल के साथ तय करना है तो तुम्हें सीधा नजर आ रहा है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन ये तब है जब कोई तुम्हें लिखे कि एरिया क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर कोई कह रहा है खींच के लंबा किया जा रहा है तो एरिया बदलेगा, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी तय करने का सही तरीका नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वॉल्यूम फिक्स है, लेंथ को खींच के लंबा किया है, बताओ रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी होगी? तो हम R इज प्रोपोर्शनल टू L नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा पैरामीटर है जो बदल रहा है, तो हमें फॉर्मूले में हमेशा वो पैरामीटर लाना चाहिए जो फिक्स है या कोई एक जो बदल रहा है। तो क्या रो फिक्स है लेकिन एरिया फिक्स? यहां दो पैरामीटर है जो बदल रहे हैं, तो हमें उनकी जगह ऐसा कुछ लाना है जिससे बस एक वेरिएबल पैरामीटर नजर आए। तो क्या चीज फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो मैं इस फॉर्मूले में रो एल और एरिया की जगह क्या लिख सकता हूं? वी बाई एल। एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? वी बाई एल। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया रो एल स्क्वायर बाई वी। यार ये ध्यान देना, ये अलग से भी लिख सकते हैं, अलग से इसके नीचे लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ आर का एल के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी बनी है? क्या अब रो फिक्स है, वी फिक्स है, तो आर का लेंथ के साथ ये प्रोपोर्शनलिटी बनी है। कब? जब हम खींच के लंबा करते हैं। और यहां अगर कोई पूछे कि अगर रजिस्टर की लेंथ बड़ी करते जा रहे हैं एरिया फिक्स रख के, है ना, ए इज फिक्स्ड एंड लेंथ इज इंक्रीज्ड, तब
तब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी हमेशा कंडीशनल होती है, कभी फॉर्मूला देख के प्रोपोर्शनलिटी तय नहीं की जाती, हमें पूरी बातें पता होना चाहिए। तो यहां रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और यहां रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया सेम रहता है और हम लंबाई बड़ी करते रहते हैं तो अलग चीज है, एरिया बदलना है तो अलग चीज है। जब हम खींच के लंबा करते हैं तो एरिया बदलता ही है। क्या हम ये प्रोपोर्शनलिटी तय कर लिए? तो अब कोई कहते लेंथ डबल हुई है तो बताओ रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? फोर टाइम। ये हम सीधे भी समझ सकते हैं, लेंथ एन टाइम्स एल हो गई है तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए हमें पूरी बातें करने की जरूरत नहीं, बस प्रोपोर्शनलिटी तय करना है। नोट कर लिया है? अब कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वायर को, ये नोट कर लिया है, वायर को कुछ परसेंट बदल दिया गया है, उसकी लंबाई को कुछ परसेंट बदला है तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा? अब यार ये नई बात नहीं है, मैंने पूरी फिजिक्स में एक बात हमेशा कह रखी है, अगर इस तरह का फॉर्मूला लुक है और कोई डी क्यू बाई क्यू पे क्वेश्चन पूछता है तो क्या आएगा? डी ए बाई ए इंटू वन, डी बी बाई बी इंटू टू, माइनस डी सी बाई सी इंटू थ्री, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। ये बना है फ्रैक्शन और 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला स्मॉल परसेंट के लिए काम करता है या लार्ज? ये स्मॉल के लिए करता है, लार्ज अलग चीज है। तो 1 से 4% या 1 से 3% तक की बात करें तो ये काम आता है 1 से 3%, और अगर 10% 5% 20% की बातें चल रही हैं तो उसका मेथड अलग है। तो हम लोग दोनों बातें करने वाले हैं, ये स्मॉल परसेंट वाली चीज है, ठीक है, हालांकि ये सब बातें हम लोग फॉर्मूला बेस में कर चुके हैं। पर अगर मैं किसी एल लेंथ के वायर को खींच के 20% बढ़ा देता हूं तो नया रेजिस्टेंस कितने परसेंट हो जाएगा? ये पूछा जाएगा नया रेजिस्टेंस का कितना परसेंट, तो बताओ आर का लेंथ के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी आई है? रो बाई वी इंटू, क्या खींच के लंबा करने में यही तो बना है? तो डी आर बाई आर का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? 2DL बाई एल। यार मैं क्यों कर रहा हूं बार बार, ये बताओ ये लार्ज परसेंट है या स्मॉल है? तो ये नहीं करना है, ये तब काम करता है जब स्मॉल में। तो अब हम स्मॉल परसेंट के लिए काम करने वाले हैं ना यार, लार्ज के लिए करने वाले हैं। मुझे बताओ लेंथ 20% बढ़ गई है तो नई लेंथ कितनी हो गई? लेंथ में लेंथ का 20% ऐड करो, 1.2L हो जाएगा। ये बात तुम्हें पहले से पता है यार, 1.2L। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? रो बाई वी, नया लेंथ, नया लेंथ कितना? 1.2L का स्क्वायर। अब जितने भी एल्जेब्रिक टर्म नजर आ रहे हैं वो तो वो ही हैं जो पहले थे, क्या बताओ उसके अलावा एक नंबर है जो बदल गया है और वो है 1.2 का स्क्वायर, इसके अलावा रो एल स्क्वायर बाई वी, वो तो पहले भी था। तो इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.44, पुराना वाला हार आ गया। तो मुझे बताओ नया रेजिस्टेंस कितने परसेंट हो गया है? बिकम 144%, और कितने परसेंट बदल गया है? इंक्रीज बाय 44%। दो तरह से क्वेश्चन होते हैं यार, कितने परसेंट हो गया है और कितने परसेंट बढ़ गया है। क्या ये मेथड समझ में आ गया यार? ये कब काम करना है? जब लार्ज परसेंट वाला क्वेश्चन होगा। अब दूसरा कैटेगरी क्या हो सकती है? स्मॉल परसेंट, स्मॉल परसेंट ज्यादा आसान है।
बताओ डी आर बाई आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन 200 कर दो तो यही क्या बन गया, क्या हमने 2% दिया है तो इसका मतलब डी एल बाई एल इंटू 100 दिया है तो कितना हो गया, तो डी आर बाई आर यानी परसेंट ऑफ आर कितना हो गया 4%, दैट्स इट। ये क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होता है, समझ गया यार? इस टॉपिक में फैशन चल रहा है इसलिए मैंने याद दिला दिया, वरना मैं ये हर टॉपिक के लिए बता चुका हूं, ये डिसीजन किसी भी टॉपिक में लेना पड़ सकते हैं। बस 1 से 3, 4 भी कहीं नहीं देखने को मिलता है। ये आंसर आंसर 4, 6, 10, 10 भी आ सकता है, कम से कम 10। हाँ, कभी हमें 6, 7 तो देखने को नहीं मिलता है, वो देख या तो वो 1 से 3 में निपटा देगा या फिर वो 10 से ऊपर बात करेगा। तो 10 से ऊपर बात करेगा तो लार्ज है, 1 से 3 बात कर रहा है तो स्मॉल है, 0.5 भी स्मॉल है, मतलब 1 से नीचे भी बात हो सकती है, 0 से लेके 3। तो ये ना बहुत जल्दी फील होना चाहिए, ये मैंने स्टेप कुछ ज्यादा ही कर दिए, तो मैं जैसे 20% तो तुम्हें 1.2L फील हो जाना चाहिए। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब 1.2 का स्क्वायर होगा, तो तुरंत 1.2 का स्क्वायर फील हो जाना चाहिए, 1.44 होता है। तो आंसर टिक करने में इतना समय नहीं लगता जितना ये बताने में लगता है। तो मुझे बता यार, यहां 2 की जगह 3% लिखा होता तो कर पाते, मतलब अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर यहां 20 की जगह 30% लिखा होता तो 1.3 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169% हो जाएगा या 69% बढ़ जाएगा, ये जल्दी से कर सकते हैं। एक ही पैरामीटर बदला है, कभी कभी तो दो दो पैरामीटर बदलते हैं, तो उसमें थोड़ा नंबरिंग की हैंडलिंग और ज्यादा करना पड़ती है। तो अब यार ये जो परसेंट वाले क्वेश्चंस थे, स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चंस थे, वो सारे हो जाएंगे। कलर कोडिंग अब सिलेबस में नहीं है तो कलर कोडिंग हटा दें, कलर कोडिंग के क्वेश्चंस कहां से हैं। ट्वेंटी थ्री नहीं करना है, 20 ये कार्बन रजिस्टर अगर कहीं लिखा है या कलर कोडिंग वाले क्वेश्चंस है, 25 है। अच्छा 25 है, सॉरी, जहां भी कलर कोड है वो नहीं करना है भाई। जैसे ये 21 है, 20th है, 19 है से लेके 23 तक, ये सब 24 तक, 19 से लेके 24 तक ये नहीं करना है, है ना? बाकी सारे करना है। 30th भी है क्या? नहीं है, 30th ठीक है। तो अब हम लोग यार रजिस्टिव सर्किट वाला टॉपिक, उसी टॉपिक का रजिस्टिव सर्किट हैंडल करना है, और सर्किट हैंडल करने के लिए हमें दो नियम पता होना चाहिए, किरचॉफ्स का करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। करंट लॉ बड़ा सिंपल है कि किसी जंक्शन पे अगर एक से ज़्यादा वायर आए या गए हैं तो जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो अगर I1 I2 आया है, ओके, मैं इस डायग्राम को दो तरीके से बना रहा हूं। देखो यार, I1 I2 आया है, I3 I4 I5 गया है, तो जितना आया है और जितना गया है वो मैग्नीट्यूड वाइज, हालांकि किरचॉफ्स ने ऐसे नहीं बोला था, ये तो मैं तुम्हें इजी करके बता रहा हूं। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि I1 I2 आए हैं
तो मैं उनको पॉजिटिव इस तरफ भी लिख रहा हूं और आई थ्री आई फोर आई फाइव सबको पॉजिटिव लिख रहा हूं। तो जितना आया पॉजिटिव उतना गया पॉजिटिव, मतलब सब कुछ यहां मैग्नीट्यूड है, यानी ये सब पॉजिटिव है। लेकिन किरचॉफ साइंटिस्ट कभी चाहते नहीं कोई इजिली सीखे, वो गंदे तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। उसने क्या बोला कि किसी जंक्शन पे सारे करंट का एलजेब्रिक सम जीरो होता है। मैं समझा देता हूं इसका क्या मतलब है, लगाना ये नहीं है। फिजिक्स में लगाने के लिए नियम थोड़ा अलग है और बताने के लिए, हाथी के दांत खाने के लिए अलग होते हैं और दिखाने के, तो ये दिखाने वाला नियम है कि किसी जंक्शन पे जितना भी करंट है उसका एलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो देखो यार, मैंने एक दो तीन सारे करंट अंदर दिखाए हैं और फिर लिख दिया इनका पूरा सम क्या होगा, जीरो। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है कि इन करंट का जो एरो बना है वो सब सही नहीं है। ये सब सही, इनमें से कुछ सही है और कुछ जो सही है उनको पॉजिटिव लिया जाएगा और जो उल्टे हैं उनको, यानी ये जितने भी ये आई वन आई टू आई थ्री आई फाइव है इनमें से कुछ कैसे हैं पॉजिटिव और कुछ क्या है नेगेटिव है। एलजेब्रिक का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और negative. तो यहां मैंने लिखा है ये सब क्या है एलजेब्रिक, मे बी पॉजिटिव मे बी negative. तो यार इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे जो आए हैं और कुछ नेगेटिव होंगे जो गए हैं, जितना आया होगा उतना गया होगा, तो इसका मतलब सम भी जीरो होगा। उन्होंने इस तरीके से चीजों को पेश किया है, लेकिन हमें यह नहीं मानना है। हम जब भी अपने अननोन मानेंगे वो निगेटिव करंट वाले नहीं मानेंगे, हम सब कुछ पॉजिटिव मानेंगे। क्या जनता समझ पा रही है? ये किरचॉफ्स लॉ को अलग तरीके से मैंने पेश किया है और ये किरचॉफ्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट है। दोनों बातें क्लियर है? तो मैंने उसी हिसाब से डायग्राम भी बनाया है। सब आए हैं और उनका सम जीरो है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब तरफ से करंट आए किसी जंक्शन में। अगर कुछ जगह से आया है तो कुछ जगह से, इसका मतलब इनमें से कुछ करंट पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव, बस ये है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये क्या था, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल बोलते हैं उसको, केसीएल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई तो पहले नोट कर लें फिर केवीएल पे आते हैं। लाइट स्वतः ही इफेक्ट दे रही है बिना प्लानिंग के। अभी दो दिन पहले पूरे ट्रक और बस की हड़ताल हो गई क्योंकि जुर्माना बढ़ाया जा रहा है कि अगर तुमने किसी को मार दिया तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, 1 जनवरी को मार रहे थे, माय गॉड, कल नया साल। मारा गया था उसी ऑटो वाले को, जो भी लेके जा रहा था। अच्छा, ऑटो वाला था, मामू को कह दिया कि जाके छुप जाएगी और मामू ही पिट जाए। तो वो खुद ही आ गया, भैया हम पिट रहे हैं आप जाओ। मुझे तो बड़ा इजी ऑप्शन इसका दिखता है, पता नहीं सरकार लागू क्यों नहीं करती है। सोच के देखो, लखनऊ में 1000 लोगों को बिठा दिया जाए जो लगातार जितने भी कैमरे लगे सब में मॉनिटर करें। पता है अब तक जुर्माना जो लगता है गाड़ियों का वो केवल और केवल किस चीज का लगता है कि गलत पार्किंग का, बस एक जुर्माना लगता है गलत पार्किंग। कभी भी कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा है उसका जुर्माना नहीं, कोई रॉन्ग वे में आ रहा है उसका कोई जुर्माना नहीं, पकड़ ले पुलिस वाला तो अलग बात है, लेकिन कैमरे के थ्रू जो जुर्माना होता है केवल पार्किंग का होता है। तो जब इतनी सब सुविधाएं हो गई हैं तो 1000 लोगों का कॉल सेंटर बना दे पूरे शहर में,
एक एक आदमी जब जब गलती करे उसको फोन करके वार्निंग दे दें एक बार, मतलब पहली बार माफ कर दें, क्योंकि मैं भी करता हूं जैसे एक बार किसी ने गलती, पूरा पैरामीटर बना दें, बल्कि ऑटोमाइज्ड कर सकते हैं, ऑटोमाइज कर सकते हैं इतनी टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग करके जिसने जिसने रूल तोड़ा उसको तुरंत ऑटोमेटिक कॉल जाएगा, भैया आपकी ये फर्स्ट वार्निंग है, आपने ये गलती करी है, उसको गलती बता दें। और गलती सबको ही करता है, जब चार बार, पहली बार फाइन का स्तर कम रखें 100 रुपए, दूसरी बार 500, तीसरी बार 1000, चौथी बार 2000, तो मैं जितनी गलतियां आज करके आया वो नहीं करता। मौका है तो मैं कर रहा हूं, क्यों? क्यों भैया कोई रेड लाइट नहीं मान रहा है, कोई फाइन नहीं लग रहा है, तो मैं क्यों ना चलाऊं, और हर कोई तोड़ के जा रहा है, ये है सारा खेल। तो अब भैया 1000 लोगों का कस्टमर केयर बनाओ, सोचो हर आदमी को टारगेट है कि भैया तुम्हें आज 50 लोगों का चालान करना है, तो 50 लोगों का चालान करके वो अपनी तनख्वाह तो छोड़ो यार, बहुत लोगों की तनख्वाह निकाल देगा, 50 लोगों का एवरेज 500 का भी चालान करेगा ना, तो 25,000 रुपया वो आदमी पर डे का सरकार के लिए निकालेगा। तो 1000 लोगों ने कितना निकाल दिया, मैंने जोड़ा था 25 लाख रुपया पर डे का वो कॉल सेंटर निकाल के देगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं, सारी सैलरी हटा लो तो भी एक डिपार्टमेंट का खर्चा निकाल देगा। और इतनी वार्निंग मिलने के बाद रोज सोचो मैं रूल तोड़ूं और मेरे पास तुरंत फोन आ जाए, तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या कि अब बचना नहीं, मतलब अब कुछ भी नियम तोड़ना गलत है। और नियम ना टूटे तो एक दिन भी ट्रैफिक जाम ना हो, एक दिन भी ये जो मौतें होती उनका स्तर 1/4 हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं 1/4 स्तर हो जाएगा। जितने भी एक शहर के लिए मैं बात करूं, यही बात पूरे देश में लागू कर दी जाए तो मतलब 1/4 हो जाएगा। सारी चीजें होती हैं गलतियों की वजह से, पता चले उसको इस जगह रास्ते नहीं आना चाहिए था, उसने मोड़ दिया, इसको रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए था, किसी ने क्रॉस कर दिया, कोई एक्स्ट्रा गलत जगह पे पार्किंग कर रखा है उसने कर रखा, इतना ज्यादा मार्जिन के साथ कि व्हाइट लाइन छोड़ के लोग पार कर देते हैं, उस वजह से ट्रैफिक जाम, आधे से ज्यादा समस्याएं इन्हीं को लेके। सबको फोन किया जाए, सबको फाइन लगाया जाए और अगली बार पेनल्टी की रकम बदल दी जाए, जो आदमी का सेम गलती अगर तीसरी बार रिपीट करा है, गलती के पैरामीटर बना दिए जाए और ऑटोमाइज्ड कर दे, तो खर्चा वो जो 1000 लोगों का वो भी बच जाएगा। ऑटोमाइज कर दे सबसे बढ़िया, फर्स्ट वार्निंग इतना, सेकंड वार्निंग वो ऑटोमाइज कॉल जाए कि आपने फर्स्ट गलती कर दी है और आपकी गलती दर्ज हो गई है, बस दर्ज हो रही है इतना ही। और गलती का रिकॉर्ड अगर दर्ज होने लगे ना आदमी का, कोई गलती नहीं करेगा, कौन चाहता कि हमको बुला के गलती दिखाई जाए, कोई नहीं चाहता। और अभी एक आदमी एक रास्ते पे कहीं गया है 15 किलोमीटर के लिए, तो कम से कम 4 बार गलती करता है वो, सबको ऑब्जर्व किया जाए, और है कैमरा है सुविधा तो करना चाहिए, अब टेक्नोलॉजी है तो तब भी नहीं कर रहे। चलो खैर मैं बनूंगा तो करूंगा। हाँ भाई, अब उसमें आ जाता है वोट बैंक कि जनता नाराज हो जाएगी, बस ये सबसे बड़ा खेल है कि जनता नाराज हो जाए। अरे जनता क्या नाराज, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा यार कि मेरी गलती मुझे बताई गई, मैंने गलती करी है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा यार, क्यों नाराज हो जाऊंगा यार मैंने गलती करी है। गलती का रिकॉर्ड बनाओ, फाइन ज्यादा ना लो अगर नाराज नहीं करना है तो, गलती का रिकॉर्ड तो बनाओ कि हाँ इतनी गलती का पन्ना मुझे किसी दिन फैक्स आएगा कि मैंने इतनी गलती करी है। गलती भी नहीं दर्ज हो रही तो फिर ठीक है यार, करे रहो। हाँ भाई, दूसरा लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यार वोल्टेज का नियम फिर से यार बहुत टेक्निकल तरीके से दिया है, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। टेक्निकल तरीके से क्या दिया गया है वो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है, किसी लूप, लूप का मतलब होता है कहीं किसी पॉइंट से शुरू करो और उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप। तो किसी लूप के लिए वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। तो अब ये कोई लॉ नहीं है, इसको बड़े आराम समझा जा सकता है, मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मुझे बताओ, ये वी वोल्टेज की एक बैटरी है, ये वी वोल्टेज की एक बैटरी, इसमें ई नॉट सिंबल लिखा था, तो बता ए और बी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का, ए का ज्यादा होगा बी का। क्या मैं ए के पोटेंशियल में से ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो घटा दूं, जो भी ई नॉट दिया है वो घटा दूं, तो कहां का वोल्टेज मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। मुझे बताओ बी और सी में ऐसे करंट दिखाया गया है, करंट क्लॉकवाइज दिखाया गया है, तो मुझे बताओ बी और सी में
कहां का वोल्टेज ज्यादा है बताओ। अच्छा अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, तो बी और सी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा है? बी का। यानी बी के पोटेंशियल में से कुछ घटा दें तो कहां का आ जाएगा? क्या घटा दें? तो यार जितना इस रजिस्टर का वोल्टेज है, रजिस्टर का वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं? वी बराबर आई आर से। यानी इसका वोल्टेज कितना होगा? आई वन आर वन। तो मैं यार इससे आई वन आर वन घटा दूं तो कहां का वोल्टेज आ गया? सी का। इतनी बात सबको समझ में आ रही? मुझे बताओ सी और डी, यार यहां करंट कुछ ऐसे दिखाया गया आई टू। अच्छा ये बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, करंट की डायरेक्शन अलग क्यों है, क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं है, इधर इधर सर्किट मिसिंग है, इधर भी सर्किट है तो करंट ऐसा हो सकता है, ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, मतलब एक सर्किट का कोई छोटा सा हिस्सा कट करके दिखाया गया है। करंट I2 ऐसे जा रहा है तो मुझे बताओ सी का पोटेंशियल ज्यादा है डी का? डी का, जहां से करंट फ्लो करता है वहां का। तो क्या हम डी में से कुछ घटा दें? चलो सी में से, सी के पोटेंशियल में से I2 R2 जोड़ दें तो कहां का पोटेंशियल आ जाएगा? डी का। डी तक आ गया। अब मुझे बताओ डी और ए में करंट ऐसा दिखाया गया है ऊपर की तरफ, कहां का पोटेंशियल ज्यादा है? तो डी में से कितना घटा दें? आई थ्री आर थ्री, तो कहां का पोटेंशियल आ गया? ए का। क्या हम ए से चले थे वापस ए पे आ गए? इस पूरी चीजों का सम कर रहा हूं मैं, जरा देखें। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या वी बी इस तरफ आएगा, वी बी इस तरफ आएगा, आपस में खत्म हो जाएगा? वी सी वी सी, वी डी वी डी, खत्म। ये पूरी लाइन क्या आएगी? मैं वी ए को अभी कट नहीं कर रहा हूं, वी ए इधर आएगा, उधर क्या आएगा? उधर आएगा वी ए माइनस ई माइनस आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू आई थ्री आर थ्री। अब बता वी ए कट गया, ये जीरो आ गया कि नहीं? किरचॉफ्स का लॉ क्या है? लॉ है एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज किसी लूप के लिए जीरो होता है, जीरो आया कि नहीं? अच्छा एलजेब्रिक है तो हमने एक नियम बना लिया कि बढ़ने को हम प्लस बोलेंगे और घटने को, तो देखो जहां जहां घटा है माइनस है, जहां जहां बढ़ा है प्लस है। क्या जनता समझ पा रही? तो क्या ये स्टेटमेंट अब समझ में आ रहा है? एलजेब्रिक सम मतलब कि हम बढ़ने को प्लस बोल दे। अच्छा कुछ किताबों में बढ़ने का माइनस और घटने का प्लस होता है, तो हम लोग एक नियम बना ले, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है, इससे चलते हैं। और ये जो लाइन मैंने आखिरी वाली इधर लिखी है, मैं इस लाइन को सीधे सिखाना चाह रहा हूं, सीधे जरा समझे। ए का कुछ पोटेंशियल था, वी ए कुछ था, उससे कुछ घटा तो बताओ ये सम कहां का पोटेंशियल आ गया? बी का। फिर उसमें से फिर कुछ घटा तो वो कहां का पोटेंशियल आ गया? सी का। फिर उसमें से कुछ जुड़ा, कहां का पोटेंशियल आ गया? क्या ये सम डी का पोटेंशियल है कि नहीं? फिर इसमें से कुछ घटा तो अब ये पूरा सम कहां का पोटेंशियल आ गया? क्या ये पूरा सम वीए के बराबर है? वीए वीए कट गया। क्या ये लाइन हम सीधे लिख सकते हैं कि नहीं? तो आगे अब हम सीधे ये लाइन लिखना सीखेंगे। ये वाली चीज मैंने थोड़ी देर के लिए करी है, ये भी काम की चीज है, अभी एक बार नोट कर लें कम से कम। ये E वोल्टेज डिफरेंस है, यहां E की जगह कभी कभी V भी लिखा होगा, एक ही बात है। बैटरी का वोल्टेज V लिखा हो या E लिखा हो, एक ही बात है। EMF E होता है, इसलिए कई बार E सिंबल भी आ जाता है। हाँ भाई किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? ना क्लोज लूप है ना ओमिक सर्किट, द स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज जीरो। स्केलर लिख दो,
तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्शन की थोड़ी बात कर रहे हैं, ये जो सारे टर्म है वो सब स्केलर है कि नहीं, और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो मैं स्केलर की जगह एल्जेब्रिक लिखना चाहूँ तो भी चलेगा, दोनों एक ही बातें हैं। बढ़ने को प्लस बोला है, घटने को माइनस बोला है, तो ये जो दो नियम मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हर सर्किट को इनकी मदद से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन ये आखिरी टूल है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इजी टूल एग्जिस्ट करते हैं तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन हाँ इस पे भी हमें कमांड होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन केवीएल से बड़े इजिली हो जाते हैं, तो केवीएल पे सबको कमांड होना ही चाहिए, मतलब केवीएल इस टॉपिक की भाषा है, अगर ये नहीं आता तो इस टॉपिक पे बात करना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? अभी हम लोग इसको एक क्वेश्चन के लिए लगाते हैं अपने आप से, तो और कमांड आएगा केवीएल में कमांड करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, ये नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। नोट कर लिया है? एक 12 वोल्ट की बैटरी में ये पूरा सर्किट लगा है, बड़ा प्लेट मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, छोटा प्लेट मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव से पुश मिलता है पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव यहां से चलना चाहता है और नेगेटिव ढूंढता हुआ चलता है, तो क्या नेगेटिव इस रास्ते से भी जा सकते हैं? और नेगेटिव जितने भी मल्टीपल पॉसिबल पाथ होंगे जहां से नेगेटिव पहुंचा जा सकता है, उन हर रास्तों से करंट जाएगा। लो रेजिस्टेंस पाथ है तो ज्यादा करंट जाएगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ है तो कम जाएगा। यानी अब इस करंट को जो बैटरी से चला है उसको दो रास्ते मिले हैं जहां से निगेटिव पहुंचा जा सकता है ना, तो इस रास्ते कुछ करंट जाएगा I1, तो इधर से क्या जाएगा I माइनस I1, या उसको I2 भी कह सकते हो। हम यार ऐसा है ना कि ज्यादा अननोन इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते। अगर I2 कहोगे तो तुम्हें तीन सिंबल यूज करना पड़ेगा, I, I1 और I2, और अगर हम इसको I1 लिख दें और इसको I माइनस I1, तो केवल दो सिंबल में काम चलेगा, तो जबरदस्ती हम नए सिंबल क्यों इन्वॉल्व कराएं? ये I1 इस रास्ते जाएगा और निगेटिव ढूंढता हुआ क्या इस रास्ते लौटेगा। यार हर चार्ज का सफर पॉजिटिव से शुरू होता है और निगेटिव ढूंढता हुआ चलता है ना, क्या यहां से I1 चला आ रहा है और यहां से I माइनस I1 चला आ रहा है, मिलके कितना हो गया I। तो सबसे पहला काम तो हमने यहां पर ये कर दिया है, ये जो काम हमने किया है एक तो सिंपल प्रिंसिपल है, पॉजिटिव से वो निगेटिव की तरफ ढूंढता हुआ चला आता है, जितने रास्तों से निगेटिव में जा सकता है हर रास्ते से जाएगा। जिस तरीके से यार नदी पहाड़ से चलती है और समुद्र ढूंढते हुए जहां जहां रास्ता मिलता है वहां वहां जाती है, उसी तरह से यहां पॉजिटिव चार्ज जहां जहां रास्ता मिलता है वहां से निगेटिव की तरफ आगे बढ़ता है। यहां जहां जहां जंक्शन मिला है वहां हमने किस नियम का पालन किया है? किरचॉफ्स करंट लॉ। आई आया तो आई गया, देखो जरा आई आया तो यहां आई वन और यहां आई माइनस आई वन मिलकर कितना हो गया आई, तो आई आया आई गया। क्या बात समझ रहे? इस जंक्शन पे हमने क्या किरचॉफ्स करंट लॉ बातों बातों में लगा दिया है, नहीं लगाया? अरे देखो I बराबर I1 प्लस I2 होता है कि नहीं, यही किरचॉफ्स लॉ है, तो I2 बराबर क्या होगा I माइनस I1। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये किरचॉफ्स लॉ से ही तो करा है, तो हमने KCL लगा दिया इस सर्किट में है ना, यहां I माइनस I1 आया, यहां से I1 मिलके क्या हो गया I, ये भी तो KCL को ही फॉलो कर रहा है। अब क्या लगाना रह गया है? KVL। KVL लगाने के लिए मैंने कोई नाम लिख दिया है A, यहां से घूम के मैं वापस A पे आऊंगा, इसका नाम चलो इसको B C D ऐसे जंक्शन के नाम रख देते हैं E F। मुझे बता A से शुरू करके वापस A पे आना है, हम एक बार में KVL लिखना चाहते हैं लूप वन के लिए, और फिर C से शुरू करके वापस C, ये लूप टू है, दो लूप के लिए हमें KVL लगाना है। क्या बताओ इस डिस्कशन का मुद्दा क्या है, हम क्या लाना चाहते हैं फाइनली? बिल्कुल I और I1 दो अननोन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए कि नहीं?
तो एक इक्वेशन केवीएल से यहां बनेगी और एक इक्वेशन, तो दो अननोन निकल आएंगे। चलो पहला लूप इक्वेशन जनता मेरे साथ मुझे बताएगी तो मैं करूंगा। केवीएल फॉर लूप वन, लूप वन के लिए मुझे बताओ, मैं ए से शुरू कर रहा हूं, ए का कुछ पोटेंशियल मन में सोच लेते हैं, वीए यहां से यहां जाएंगे बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या लिख दें, प्लस 12 यहां गए, फिर यहां से यहां जाएंगे घटेगा, क्या लिखें, I into R, फिर यहां से यहां जाएंगे बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा भाई, हाई से लो आ रहे हैं, तो माइनस I माइनस I1 into what, 6, ये 6 दिया है, यहां आ गए, फिर बताओ D तक आ गए हैं, फिर D से यहां A जाएंगे तो कुछ नहीं, एक वायर जो रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस का है इसके मुकाबले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R होता है कि नहीं, अब R जीरो है तो वोल्टेज डिफरेंस भी, तो यहां D से लेके A तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्या इस पूरे सम को हम फिर से VA लिख सकते हैं कि नहीं, VA से चले थे घटा तो B का आया, फिर घटा तो C का आया, फिर घटा तो D का आया, फिर कुछ नहीं घटा और कहां का आ गया, A का, तो क्या ये पूरा सम VA को डिनोट कर रहा है, VA भी ये खत्म, ये KVL बन गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या हम इसी तरह से KVL फॉर लूप टू लिख सकते हैं, जरा लिख के दिखाएं और उसको सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करके दोनों के आंसर लाना है। पहली इक्वेशन मैंने इजी सिंप्लीफाई करके यहां लिख दिया है, लूप टू का केवीएल जिसका हो जाए दिखाए, सी से शुरू करना है और बाद में उसको बराबर सी इस लूप में लाना है ताकि वीसी वीसी कट जाए, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करके आई और आई वन लाओ, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों के आई और आई वन के आंसर लाएं। माइनस टू इंटू आई वन, टू क्यों, टू इंटू आई वन वी सी, मुझे बताओ यहां सी और डी में ई में कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, सी का ना, तो सी से कुछ घटाएंगे तभी तो हम ई पे पहुंचेंगे, तो टू आई वन, फिर ई से एफ में कोई अंतर नहीं आएगा, फिर यहां से यहां फिर घटेगा, टू इंटू आई वन, आई इंटू आर होता है ना, तो R हो गया 2 और I हो गया I1,
वी सी, सी का कुछ पोटेंशियल है यहां से यहां पहुंचना है तो घटेगा, कितना घटेगा, आई इंटू आर, तो आई वन इंटू आर, यहां पहुंच गए ई का, फिर ई से यहां पे जाएंगे तो कोई अंतर, फिर यहां से यहां जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा भाई, एफ का ज्यादा है ई का, डी का और कम होगा, तो यहां से यहां घटाना है कितना, वन इंटू आई वन इंटू वन, आई वन इंटू वन, डी तक आ गए, फिर मुझे ज्यादा डी से सी जाएंगे तब प्लस होगा, क्योंकि अब हम पहाड़ साइड जा रहे हैं, नदी साइड से, आई मीन समुंदर साइड से, निगेटिव से है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो सी का ज्यादा है ना, तो अब यहां जोड़ना पड़ेगा कितना, है ना, आई माइनस आई वन इंटू सिक्स, ये सिक्स ओम है इसका, तो क्या हम सी से चले थे, घटा घटा फिर बढ़ा और कहां आ गए, सी पे आ गए कि नहीं, तो ये क्या पूरा सम फिर से बीसी के बराबर है, बीसी बीसी कट गया, पूरा लूप होगा जब भी तो ये बीसी बीसी कटेगा ही, सी से चले घटा तो माइनस, फिर कुछ नहीं, फिर घटा तो माइनस, फिर बढ़ा तो प्लस, बस इतना काम करना है। कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू और वन थ्री आई वन, ये उस तरफ जाएगा, चलो इसी तरफ लिखते हैं, सिक्स आई माइनस सिक्स आई वन बराबर जीरो, तो I1 वाले दो टर्म है, सिक्स आई बराबर नाइन आई वन, तो I1 बराबर लिख सकते हैं टू बाई थ्री आई, मैं I1 लिख दिया हूं और उठा के वहां रख दूंगा तो I सॉल्व होके आ जाएगा, मैं इस इक्वेशन में सॉल्विंग कर रहा हूं, फोर आई माइनस थ्री आई वन, आई वन कितना है टू आई बाई थ्री बराबर कितना छ, टू आई बराबर छ, तो I बराबर आ गया थ्री एम्पियर, I3 आ गया और I3 आ गया तो I1 कितना आ गया 2 एम्पियर, कितने लोग आ गया है? देख ले आराम से, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लें, क्योंकि यही भाषा है इस टॉपिक की, ये मेथड समझाने के लिए, इसको करने के दूसरे आसान तरीके भी हैं, बिल्कुल वो बाद में करेंगे हम लोग, पहले हमें KVL पे कमांड करना है, तो ये पर्पज पूरा होना चाहिए कि हम KVL से भी कर सकते हैं, केवल आखिरी टूल है, पहले नहीं करना है, बट अभी हमें पहले ही आना चाहिए। केवल केवीएल समझाने के लिए मैंने यह तरीका बताया है, बट यह तरीका लगाना नहीं पड़ेगा भविष्य में, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नोट कर लिया है, किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, और R जीरो है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो वायर के अक्रॉस हमेशा जीरो रहेगा, वो नहीं लिखते हैं लोग, क्या पूरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है यार? अच्छा, ज्यादातर मैंने अभी लूप वाले क्वेश्चन दिए हैं, पहली बार तुम्हें यह समझ में आया कि बार बार मैं वीसी लिख के फिर बीसी के साथ काटता हूं, वीए लिख के वीए के साथ काटता हूं, क्यों लिखता हूं, ऐसा दिमाग में ख्याल आता होगा, क्योंकि कई बार हमें लूप नहीं बल्कि एक रास्ते के लिए भी वोल्टेज इक्वेशन लिखना पड़ती है, उसको केवीएल नहीं कहते लेकिन वोल्टेज इक्वेशन तो कहते ही है। क्वेश्चन पूछा है इस ए और बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछना पूछा बताया गया है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट दिया है ऐसा कुछ 2 एम्पियर यहां से जाएगा, किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है सर यहां कोई सर्किट नहीं है, इसके इधर सर्किट नहीं है तो सर करंट कैसे बह रहा है, तो कई बार क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द सर्किट दिखाते हैं, अगर क्वेश्चन बना है तो हमें ये मान लेना है कि ए के पीछे भी सर्किट है और बी के बाद भी सर्किट है, हमें उस पर डाउट नहीं करना है, हमें बात क्योंकि ए से बी तक ही करना है तो बाकी सर्किट की हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आमतौर पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट देता है, मगर यहां उल्टा हो रहा है कि इसमें करंट आ रहा है, बैटरी में दोनों चीजें हो सकती हैं, बैटरी करंट देती भी है जब वो डिस्चार्ज होती है और बैटरी करंट ले भी सकती है जब उसकी
चार्जिंग होती है। तो यहां बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल को करंट आ रहा है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा करंट देता है। तो अगर पॉजिटिव को आ रहा है तो निगेटिव से निकल रहा होगा, यह भी पक्की बात है। बैटरी कभी अपनी इम्बैलेंस से नहीं करती, अगर पॉजिटिव से निकलता है तो निगेटिव में जाता है, और अगर निगेटिव से निकला है तो पॉजिटिव में जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना करंट यहां से बाहर भी निकलेगा, है ना, और फिर वो बी के थ्रू आगे गया होगा, हमें नहीं पता कहां गया। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछा है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ए से लेके बी तक का वोल्टेज इक्वेशन लिखने वाले हैं। जनता मुझे बताएगी वी ए कुछ पोटेंशियल में मान लेता हूं, यहां से यहां जाने पर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कितना घटेगा? आई इंटू आर, तो आई है टू, आई है टू और आर भी कितना है टू, चलो ये आ गया। फिर यहां से यहां माइनस थ्री बैटरी का वोल्टेज है, माइनस क्यों, हाई से लो गए। फिर बताओ यहां से यहां जाएंगे तो प्लस या माइनस? क्या मुझे बताओ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इधर हाई है या बी पे हाई है? तो वहां जाने पर तो घटेगा तो माइनस, कितना, अगेन आई इंटू आर, दैट इज टू इंटू वन बराबर क्या? क्या हम ए से चले, घटा फिर घटा फिर घटा और कहां पहुंच गए? हमें पूछा गया था वी ए माइनस बी बी, अब क्या वी ए बी बी काट सकते हैं? वो दोनों सेम पोटेंशियल पे थोड़ी, यही तो पूछा है वी ए माइनस बी बी। तो वी बी को मैं इस तरफ ले आया हूं और बाकी टर्म उस तरफ ले जाते हैं। उस तरफ कितना, दो दो चार प्लस तीन प्लस दो, कितना आ गया, नाइन वोल्ट। अभी तुम्हें समझ आ रहा है केबीएल में ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो केबीएल से ही करना है, ये बेसिक स्टेप हमें समझ में आना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो सबको साइन के साथ निकलेगा, आंसर पॉजिटिव आया है इसका एकदम सही है। उल्टा कन्वेंशन जो किताबों में अक्सर दिया रहता है, अगर उससे इसको करोगे ना तो यहां गलती हो जाएगी साइन की, इसलिए ये मेथड ज्यादा सही है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो बताएं। हटा दे भाई। अच्छा मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है आर का और उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो बताओ ए और बी में किसका पोटेंशियल हाई होगा? करंट जीरो है, क्या जनता समझ पा रही है? अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो वी ए माइनस आई आर बराबर वी बी होता है कि नहीं? तो वी ए माइनस बी बी क्या आ गया, आई आर नहीं, और आई जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बस में रहे, यानी किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी आ सकता है जब उसमें करंट हो, करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा तुमने हमेशा आई बराबर वी बाई आर पढ़ा है, आई बराबर क्या पढ़ा है, वी बाई आर, तो वी हमेशा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी के जो वी से पोटेंशियल लिखे जाते हैं वो पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल, और जो मैं ऐसे लिखता हूं वी ए और वी बी, तो ये वी ए एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, ये डिफरेंस नहीं है। सोचो अगर मुझे इस सर्किट में आई निकालना पड़ जाए कभी और वी ए वी बी पता हो, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी बाई आर, तो वी ए माइनस वी बी इन आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहां लिखते हैं डिवाइड बाई उसका, क्या ये बात सबको पता होना चाहिए। चलो यहां एक सर्किट दिया है जहां ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल है? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी का होता है, और अगर पॉइंट्स में पोटेंशियल लिखा है तो वो उस जगह का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। मुझे बताओ यहां 5 है यहां 6 है, ये इस बात की गारंटी है कि इन रजिस्टर में करंट होगा, यहां और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब, यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, इन हर रजिस्टर में कुछ ना कुछ करंट होगा,
तो फिर इसका मतलब ये पूरा सर्किट नहीं है, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी कुछ और सर्किट है जो दिखाया दिखाया नहीं गया है। अब इसके आगे भी सर्किट होगा, ये अगर हम मान लेंगे तो क्वेश्चन का मीनिंग खत्म हो जाएगा। जहां हमें ज्वाइंट नजर आ रहा है वहां कोई एक्स्ट्रा ज्वाइंट अब नहीं सोचना है, जहां ओपन छोड़ा गया है वहां हम सर्किट सोच सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड वीओ, इस ज्वाइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वीओ बताना है ओ पॉइंट का। तो यार ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ज्वाइंट पे आगे सर्किट नहीं सोचना है, इधर और इधर सर्किट सोचना है। दूसरी बात कि सब जगह हमें करंट मानना पड़ेगा, क्योंकि करंट ना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता। कितनी बात समझ में आ गई। अब मैं सबसे हाई पोटेंशियल ए पे देख रहा हूं, तो इसका मतलब मेन करंट यहां से चलेगा, पीछे कहीं से आया होगा, हमें नहीं पता क्यों आया, कहां से आया, बट यहां से कुछ चलेगा, फिर वो इधर भी जाएगा। और क्या, इसको मैं आई बोल दूं, इसको आई वन बोल दूं, इसको आई टू बोल दूं, तो आई किसके बराबर होगा, आई वन प्लस, किस नियम के हिसाब से, केसीएल, ये हमने क्या लगाया है, केसीएल। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ ये आई इधर और इधर के पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा जा सकता है, कितना, 10 माइनस वीओ जो कि अननोन है, ये हो गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई क्या, 10। कोई दिक्कत है? फिर बताओ इधर और इधर में कहां का हाई होगा, नीचे का हाई होगा, तभी तो करंट ऊपर जा रहा है, तो हम किससे किसको घटाएं, अपॉन। फिर बताओ वीओ और फाइव में कौन हाई होगा, वीओ माइनस फाइव अपॉन 30। क्या इस एक लाइन में केवल एक अननोन है, दैट इज वीओ, सॉल्व हो के आ जाएगा। यार हमने पिछली बार केवीएल से शुरुआत करके बीच में आईआर आईआर कई जगह लिखा था, यहां हमने शुरुआत किससे करी, केसीएल से, और फिर वी बराबर आईआर लगाया है। अरे बताओ वी बराबर आईआर ही तो लगा है, अगर वी बराबर आईआर होता तो आई बराबर क्या होगा, क्या जनता समझ पा रही है? पिछली बार वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे थे और उसमें वी बराबर आईआर यूज कर रहे थे, इस बार हम करंट इक्वेशन लिख रहे हैं और उसमें वी बराबर आईआर। तो कई बार यहां से शुरू करना फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें वीओ लाना था, एक बार में आ जाता। क्या इस क्वेश्चन को केबीएल से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को केवीएल से करता तो कैसे करता, 10 माइनस आईआर माइनस आई वन इंटू 20 बराबर 6। क्या लिखता पहली इक्वेशन, 10 माइनस 10 आई, यहां आ गया, फिर क्या, आई वन बराबर क्या, इस बार हम लूप पे नहीं जा रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं, फिर यहां लिखते, एक मैंने ये खत्म कर दिया, अब यहां से यहां तक लिखते तो क्या लिखते, 10 माइनस 10 आई माइनस 20 30 30 आई माइनस आई वन इंटू क्या बराबर क्या, 5। अब इन दो इक्वेशन की मदद से हम क्या सॉल्व करके लाते, आई। फिर मैं यहां से यहां तक एक और वोल्टेज इक्वेशन लिख रहा हूं, 10 माइनस आई इंटू 10 बराबर क्या, 10 से कुछ पोटेंशियल घटेगा तो कहां का आ जाएगा। तो अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करके आई लाओगे, उठा के यहां रखोगे तो वीओ आएगा, क्या ये करना चाहोगे? अरे दो इक्वेशन को सॉल्व भी करने में गलती हो जाएगी, फिर उठा के यहां रखना है तब वीओ आएगा, और यहां एक बार में वीओ नजर आ रहा है। तो हम केवीएल से शुरू करके भी कर क्वेश्चन कर सकते हैं और केसीएल से शुरू करके भी कभी कभी कर सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? जब जहां जैसी सिचुएशन हो, ये एग्जाम्पल नोट कर लें, ये केसीएल से ही शुरू किया जाता है, ऐसे जंक्शन वाला क्वेश्चन जहां वीओ पूछा जाए, बीच का जंक्शन का वोल्टेज।
इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एलसीएम लेंगे फिर कट करेंगे फिर, ठीक है। मैं लिख देता हूं सॉल्व एंड गेट बीटी वीओ। अभी मकसद सॉल्विंग सिखाना नहीं है, अब तक अगर नहीं सीखे हो तो अभी सीख के कोई फायदा नहीं, और सीख चुके हो तो मैं क्यों बताऊं। मतलब एक स्टेज आती है कि जिसके बाद अब मुझे लगता है कि कुछ छोटी मोटी चीजें टीचर इग्नोर कर सकता है। अगर सॉल्विंग हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं सीखे, एलओएम में नहीं सीखे, वर्क एनर्जी में, पावर नहीं सीखे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं सीखे, तो अब क्या सीख लेंगे यार, तो क्यों बताएं। बात क्लियर है यार, आगे बढ़ें। चलो 20 वी कितना है, जीरो है। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है यार, आएगा तब देख लेना। बहुत सारे रजिस्टर्स को एक दिखाना, दैट इज इफेक्टिव। ये हर टॉपिक में इफेक्टिव वाली बातें आती हैं। बहुत सारी चीजों को एक दिखाने का मतलब क्या है, इफेक्टिव। तो अभी ये तीन रजिस्टर हैं, इस तरह से हैं कि एक एंड हायर पोटेंशियल पे है और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे है। तो मुझे बताओ करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और जब मूव करेगा और बीच में कोई जंक्शन या ज्वाइंट है नहीं, तो जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा, वही यहां से जाएगा। तो इस डिस्कशन में ये बात हमें नजर आई, करंट इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर। अगर करंट सेम है सारे रजिस्टर से तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। अच्छा मुझे बताओ इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, V3, ये भी सेम होगा? नहीं। ये हमें पता है V बराबर क्या होता है, IR। तो क्या सब में I तो सेम है बट R सेम नहीं है। तो अगर कोई कहता है V1 is to V2 is to V3 किस रेशियो में होगा, यार I सेम है तो जितना ज्यादा R उतना ज्यादा किस रेशियो में होगा, R1 is to R2 is to। ये मैं यार V जब लिख रहा हूं तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है या डिफरेंस है, यार ये बताओ। एक रजिस्टर के अक्रॉस जब मैं V लिख रहा हूं तो वो डिफरेंस होगा या किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, IR, V बराबर IR जब लगाते हैं तो V क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या इसमें कोई डाउट है यार? तो V1, V2, V3 इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या होगा, R1, R2, R3 के रेशियो में। ठीक है यार, इस पे और ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मुझे बताओ R इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है यार, पता है तो अब इसमें क्या बात करें यार, एक बार और डेराइव कर देंगे तो क्या फायदा है। तो ऐसे ऐसे यार सेम रजिस्टर N हो, N R R के, तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, RN। क्लियर है? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में क्या चीज कॉमन है यार, इन तीनों रजिस्टर के एक एंड कॉमन है और कॉमन हाई पे है, कॉमन है और कॉमन, दूसरा एंड कॉमन है और कॉमन लो पे है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, और वही क्या तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यार पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वो क्या है, सेम। क्या करंट भी सेम होंगे, नहीं यार, जो वोल्टेज इधर है वही इधर है, वही इधर है, बट करंट सेम, करंट इक्वल टू क्या होता है, V बाई, और अब हमें पता है V सेम है, तो बताओ I1 किस रेशियो में होंगे, I किस रेशियो में होंगे, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/, खैर इन सारे रजिस्टर की जगह एक दिखाना, दैट इज आर इफेक्टिव। क्या फॉर्मूला होता है जनता बताए यार, ये हमें आंख बंद करके सो जाएं और कोई सोते में पूछे कि पैरेलल के लिए आर इफेक्टिव बताओ तो तुम बता दोगे यार। ये उन चीजों में से है यार कि तुमने 10वीं क्लास में खूब इंजॉय किया था इस टॉपिक को, कम से कम सीरीज पैरेलल को लेके। क्लियर है यार? इसमें कुछ बातें मैं बता दूं कि अगर R1, R2, R3 सेम हो और N रजिस्टर हो, N रजिस्टर, तो 1/R इफेक्टिव क्या लिखोगे, 1/R, 1/R, ऐसा कितने बार, n बार, तो ये कितना आ जाएगा,
आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आर बाई एन। एक ये बात, दो रजिस्टर आर वन आर टू के हैं तो आर इफेक्टिव क्या होता है, चलो एक बार कर लेते हैं ताकि ये हमें सीधे याद रहे। R1 R2 LCM लेंगे तो ये ऊपर R2 plus R1, ये आंसर R इफेक्टिव का है या 1 by R इफेक्टिव का, तो R इफेक्टिव का क्या हो जाएगा। ये भी उन चीजों में से है कि रात में सोते से जगा के कोई पूछे कि दो रजिस्टर का R इफेक्टिव बताओ, बता दोगे यार, तो नहीं जगाऊंगा मैं, नोट कर ले। अच्छा, अब ज्यादातर बातें रिपीट हो रही हैं क्योंकि कैपेसिटर में भी हम लोगों ने इसी तरह की बातें करी, हालांकि उसमें सब कुछ मामला उल्टा था। वहां पैरेलल के लिए ऐसा नियम था और सीरीज के लिए ऐसा नियम था, सेम नहीं था, सिमिलर था बट सेम नहीं था। नोट कर लिया भाई लोग, पैरेलल होने की कंडीशन है कि एक एंड कॉमन हाई, दूसरा एंड कॉमन लो होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होना चाहिए। सीरीज होने के लिए क्या जरूरी है, सबके थ्रू करंट सेम होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखना है सबको, ये बातें नोट करते जाना है। इतना ही टाइम नोट करने में भी लगता है। हाँ अच्छा, बैकअप प्लान। तो इसके वीडियो सब होते हैं उसमें, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं, वीडियो के भरोसे मत रहो। एक तो वीडियो के भरोसे के चक्कर में बहुत लोग बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। और फिर बाद में पूरा वीडियो देखने का मन नहीं करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, तभी यार पहली बार एवरेज ठीक दिखा रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी ने तो देखा है। तो यार हम लोगों को स्पष्ट सीरीज या पैरेलल देखना आना चाहिए, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करके एक रेजिस्टेंस दिखाना, ये पर्पस है सीरीज पैरेलल का। तो मुझे बताओ ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में किसमें है, मैंने यार तुमसे कैपेसिटर वाले टॉपिक में खूब गलतियां कराई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता अभी थोड़ा अवेयर्ड है, नहीं है तो फिर से करते हैं। बताओ ये 4 और ये 4 है, नन हाथ उठाएं, पैरेलल हाथ उठाएं, सीरीज हाथ उठाएं। तुमने लाइफ में सीरीज पैरेलल ही पढ़ा, ये नन कहां से आ गया, नन तो मूवी का नाम था, वो भी डरावनी वो NUN था तो बता यार ये 4 और 4 अगल बगल लगे हैं तो किसमें है, करंट सेम नहीं आएगा बिल्कुल। क्या सुपर हाई बैटरी का यहां लगाना है, सुपर लो, ए और बी लिखने का मतलब होता है बैटरी कहां लगना है। तो तुम्हारे मन में जल्दी से करंट चल जाना चाहिए, यहां से करंट चलेगा तो क्या निगेटिव इस रास्ते नहीं जा सकता, जा सकता है। तो यहां कुछ आई बन जाएगा, बचा हुआ यहां जाएगा, तो बट गया ना, बट गया तो क्या ये और ये सीरीज में रहे,
नहीं रह गए, सेम करंट नहीं है तो सीरीज में, क्या यहां से I1 चला आ रहा है तो क्या इधर नेगेटिव में नहीं जाया जा सकता, तो यहां कुछ I2 जाएगा, तो यहां I1 माइनस I2, यहां से I2 चला आ रहा है वापस नेगेटिव में पहुंच रहा है, यहां से I1 माइनस I2 मिलके I1 बना देगा, फिर I माइनस I1 और I1 मिलके क्या बना देगा, बैटरी से I चला I वापस। यार इतना काम मन में जल्दी से चलना चाहिए, इसको पेन से चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मन में चलाऊंगा तो तुम कैसे चलाओगे, इसलिए मैंने पेन से चलाया है। मुझे बताएं स्पष्ट तौर पे, अच्छा बताओ ये थ्री और ये थ्री क्या स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं किसमें है, सीरीज वाले हाथ उठाएं, ये थ्री और ये थ्री आमने सामने हैं, सीरीज वाले हाथ उठाएं, पैरेलल वाले हाथ उठाएं, नन वाले हाथ उठाएं, कंफ्यूज लोग, अरे यार ये सीरीज पैरेलल नन तीन ही ऑप्शन है तो और क्या, नन ऑफ दीज दें, ये थ्री और थ्री क्या इनका एक एंड कॉमन लो पे है कि नहीं है, नहीं है, नेगेटिव सुपर नेगेटिव से जुड़ा है, और दूसरा एंड यार ये सुपर पॉजिटिव है, ये थोड़ा कम पॉजिटिव होगा और ये और कम पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि हर बार बीच में रजिस्टर आने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो क्या ये एंड और ये एंड कॉमन है, नहीं है, बीच में रजिस्टर है, तो जब कॉमन नहीं है बीच में रजिस्टर है तो कॉमन हाई नहीं बोल सकते हैं, तो एक एंड तो कॉमन है बट दूसरा एंड कॉमन नहीं है, तो ये पैरेलल में नहीं है और ना सीरीज में तो है ही नहीं है, तो ना सीरीज है, ये भी एक ऑप्शन है यार। सबसे पहले तो मन में यही चलना चाहिए कि कहां से शुरू करना है रिड्यूस करना, किसी सर्किट को रिड्यूस करना वहां से शुरू करना है जहां पे स्पष्ट कुछ नजर आए। मुझे पता है यार कि हम लोगों ने 9th 10th में इतनी प्रैक्टिस करी कि तो ये तो पता चल जाता है कि कहां से शुरू करना है, मगर ये नहीं समझ में आता कि यहां से शुरू क्यों नहीं करना है, तो यहां से शुरू क्यों नहीं करना है क्योंकि ना सीरीज में है ना पैरेलल में, यहां से शुरू क्यों नहीं करना है क्योंकि ना सीरीज में है ना, तो कौन है जो स्पष्ट तौर पे सीरीज या पैरेलल में है, ये सबको महसूस हो रहा था, शुरू से महसूस हो रहा था, मगर मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा था, तुम सोच रहे थे कि सर यहां बात करिए ना, जहां हमने सोचा नहीं वहां क्यों बात कर रहे हैं, तो ये सबको फील होता है, पता नहीं क्यों फील सबको हो रहा था कि सर इधर से शुरू करिए, बट कारण नहीं पता था यहां से क्यों शुरू करना है, क्योंकि इससे के अलावा कोई और सीरीज पैरेलल स्पष्ट नहीं है। तो बताओ ये फोर और फोर किसमें है, फोर और टू सीरीज में है, क्यों, जो करंट यहां जाएगा वही तो यहां से जाता हुआ नेगेटिव जाएगा, तो चार और दो रिड्यूस करके हम कितना लिख सकते हैं, चार दो छे, फिर ये छे एक लिख गया, उसके बगल में ये लगा है, जैसी तुम एक रजिस्टर लगाओगे यहां तो क्या ये एंड कॉमन हाई हो जाएगा और ये एंड कॉमन कौन सा आ गया, तो छह और तीन पैरेलल हैं तो इफेक्टिव कितना आएगा, दो, क्या ये पूरा रिड्यूस हो गया कितना आ गया, दो, फिर अब इस सबको हटा के दो लिखोगे तो दो और चार किसमें आ जाएंगे, सीरीज में, तो चार और दो छह, फिर जब छह पूरे की जगह लिख दोगे तो छह और तीन दो, और फिर दो और चार यानी इसका कितना आ गया, क्या जनता समझ गई है कहां शुरू करना है, कोई दिक्कत है यार, तो क्या ये बता पाओगे, ए सुपर हाई है बी सुपर लो है, ठीक है, चलो मुझे बताओ ये सिक्स और ये थ्री किसमें है, ये थ्री और ये सिक्स किसमें है, नन पे, ये थ्री और ये थ्री किसमें है, ये भी नन में है, तो कहां से शुरू करें भाई, देखो ये ए है, यहां से करंट इतने रास्तों में बंटने वाला है और हर करंट अपना निगेटिव ढूंढने का रास्ता तय करेगा, तुम देखो यार ऐसे घूम के फिर यहां होते हुए फिर यहां होते हुए निगेटिव में आएगा कि नहीं, और जहां जहां यहां से, अच्छा करंट कभी अपने ही रास्ते नहीं लौटता है, मैंने यार जल्दी से कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, सुपर हाई से निगेटिव ढूंढता हुआ इधर जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, इन सब रास्तों से करंट निगेटिव जा सकता है, तो बताओ कौन से स्पष्ट सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहे हैं, क्या बताओ, यहां से जो करंट चला है वो इससे होके जाएगा ही, तो ये थ्री और थ्री किसमें है, तो थ्री और थ्री कितना हो गया, फिर सिक्स और सिक्स कितना,
सिक्स और सिक्स वन, ये कौन सा नियम है? अरे भाई सिक्स और सिक्स पैरेलल में, तो वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स कितना आ गया? टू बाई सिक्स, फिर उसका उल्टा कर दो थ्री आएगा, यानी ये पूरा रिड्यूस करके कितना आ गया? फिर इस पूरे की जगह अगर एक थ्री लिखोगे तो ये थ्री किसमें आ जाएगा? तो कितना हो गया? छ, फिर छ और छ तीन, फिर तीन और तीन, फिर छ और छ, फिर तीन और तीन, फिर ये छ पूरा आ गया। ये पूरे का डिस्कशन कितना आ गया है? छ। फिर ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है भाई, क्लियर रखना। तो कितना आएगा? पूरी बात समझ में आ रही है यार? कहां से शुरू करना है? जहां हमें कुछ स्पष्ट नजर आ रहा हो। क्या इस पे किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई? नोट करना चाहेंगे? क्वेश्चन डायग्राम लिखना है और आंसर लिखना है। ज्यादा ज्यादा ऐसे ऐसे कुछ बना दो, बनाना हो तो। बहुत सारे डायग्राम नहीं बना सकते। तो ये जो सीरीज पैरेलल इस तरह के मिलेंगे, ये सबसे ऑब्वियस सीरीज पैरेलल होते हैं। इनको हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस तुम्हें बस ये ढूंढना है शुरू कहां से करना है। एक बार ये तय हो गया शुरू कहां से करना है, तो खत्म तो हो ही जाएगा। और शुरू वहां से करना है जहां स्पष्ट कुछ नजर आ रहा हो, चाहे स्पष्ट सीरीज नजर आ रहा हो, चाहे स्पष्ट पैरेलल नजर आ रहा हो। डायग्राम बस बना लें और आंसर लिख दें, फिर घर में सोचते रहना कैसे किया गया था। यहां तो समझ लिया ना भाई, तो घर पे रिकवर कर लेना। घर तक जाते जाते फैलने का खतरा हो तो ये लाइनें बना दें। लाइनें पतले पेन से बनाना, वरना लाइनें आपस में मिलने का खतरा है, कुछ नजर नहीं आएगा कहां क्या था। एक बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट किसी सर्किट में आती है कि किसी एक ब्रांच से कुछ करंट आया और वो मल्टीपल ब्रांच में बंट गया। यहां से 10 एम्पियर आया, यहां कुछ I1 गया, यहां कुछ I2 गया, कुछ I3 गया। क्या ये करंट तीन ब्रांच में बटेगा और फिर वो लौट के 10 बन जाएगा? यहां से I1 लौटेगा, यहां से I2 और यहां से I3 मिलके क्या हो जाएगा? 10। यानी यार एक करंट को तीन पैरेलल रास्तों में बटना, ये कॉमन रिक्वायरमेंट है किसी बड़े सर्किट में। नहीं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि यार तीन पैरेलल पाथ है तो उसका करंट वी बाई आर होता है, और क्योंकि V तीनों के लिए क्या है? सेम है। तो क्या I1 is to I2 is to I3 किस रेशियो में होगा? 1/4, 1/6, 1/12। क्या ऐसा इनवर्स वाला रेशियो देख के किसी को अच्छा लगता है क्या? रेशियो की एक अच्छी बात है कि तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो वही रहता है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहोगे? 12 से। यार मैं इस पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 3:2:1। अब देखने में अच्छा लग रहा है। बचपन में हम लोगों ने एक स्किल डेवलप करी थी यार, किसी चीज में किसी और चीज की मिलावट। नहीं यार, वो कैरोसिन में किसकी मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, रेशियो वाले क्वेश्चंस बचपन में कभी ना कभी किए होंगे। नहीं किए? इसी दिन के लिए किए थे। यहां आई का करंट तीन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो भी इस रेशियो में। जैसे मैं कहूं यार 200 रुपए को 3:1 में रेशियो में डिवाइड करना है 200 रुपए को, तो तुम्हें फील होता है यार 200 को 3:1 में, मतलब एक को फील होता है तुमने रेशियो इस कदर लाइफ में उतारा है कि फील होता है। कम से कम दो वाले में, तीन में फील नहीं होता है। गलत फहमी ना पाले तो नियम लगाए। I1 का आंसर कितना, I2 का आंसर कितना और I3 का आंसर कितना, इसका नियम क्या है?
रेशियो का सम नीचे लिखे, कितना रेशियो है 3+2+1, और पहले वाले का रेशियो 1 है, सॉरी पहले वाले का रेशियो 3 है, और कितने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 को, ये आंसर आ गया। दूसरा करंट का रेशियो क्या है 2, नीचे सम ऑफ रेशियो लिखना है 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरे का रेशियो 1 है, नीचे सम ऑफ रेशियो लिखना है और 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यार तीनों आंसर आ गए, तो गंदा है, कोई बात नहीं 6 आएगा ना, तो 1/2, चलो 15/2, ये कितना आ रहा है 1/5, ये 5 आ रहा है, ये तो बढ़िया आ रहा है यार। ये कितना आ रहा है 10/3, और ये कितना आ रहा है 10/6। अरे सॉल्व करो ना भाई, चलो मैं सॉल्व करता हूं, यार इसका रबड़ कहां गया बताओ। अच्छा 3/6 × 10 कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2/6 × 10 10/3, ये कितना आ गया 1/6 × 10 कितना आ गया 5/3, तीनों आंसर आ गए। क्या जनता समझ पा रही है, बताओ। अच्छा अब मैं थोड़ा एक इजी क्वेश्चन देता हूं, ये 20 एम्पियर का करंट है, एक रजिस्टर 3 ओम का है और एक रजिस्टर 9 ओम का है, तो बताओ 20 एम्पियर को किस रेशियो में डिवाइड करना है। अरे 3 और 9 किस रेशियो में है 3:1, तो 20 को 3:1 में डिवाइड करना, फील हो रहा है, एक को 15 मिलेगा। अच्छा किसको 15 मिलेगा, छोटे वाले को 15 मिलेगा और बड़े वाले को 5 मिलेगा, लॉजिक। अरे भाई कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, 3 पैरेलल पाथ में, मतलब इस आंसर को तुम बिना पेन चलाए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हैंग हो चुका है तो पेन चलाते हैं। बताओ I1:I2 किस रेशियो में होता है 1/3:1/9, पढ़ा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल रेशियो बन जाए, 9 से ना भाई, तो ये क्या बन जाएगा 3:1। अब रूल क्या कहता है, सम ऑफ रेशियो 3+1, 3 ऊपर तो पहला आ गया, कितना आ गया, अच्छा 20 था, ये कितना आ गया, 4 से 20 को काटोगे तो 5 आएगा, 15 आ गया, और I2 कितना 1/3+1, 20, कितना आ गया 5। क्या ये फील हो रहा था, कम से कम 2 के लिए तो फील होता है, बताओ। अच्छा 30 ओम को 2 ओम और 1 ओम में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, 30 एम्पियर को 2 ओम और 1 ओम के पैरेलल पाथ में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, एक में 20 आएगा, छोटे वाले में 20 आएगा। चलो तो मेथड लगाओ यार तुम लोग, 1 वाले में 20 आएगा और 2 वाले में, क्या समझ पा रहे यार, तो 2 वाला फील कर सकते और 3 वाला मेथड से करना है। क्या जनता समझ गई यार, करंट को पैरेलल रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट करने के ये मेथड है, यही लगाना है, कुछ और ट्राई करो तो समय ज्यादा लगेगा। क्या जनता समझ पा रही है, कुछ और बोला जाए, कुछ और है ही नहीं बोलने को। अगला डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्टेज का, नहीं लिख पाया, नोट कर लो, ये मैं इसलिए स्पीड में थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर के वक्त ये सिमिलर बातें हो चुकी हैं, बस उसमें चीजें उल्टी होती थी और कुछ नहीं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि सब कुछ जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है वो इस टॉपिक में रिपीट मार रहा है। हाँ तीन, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि 2 बोर्ड पहले मैंने क्या लिखा है वो मैं ला सकता हूं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं आता था।
नोट कर लिया भाई लोग? बाईस वोल्ट की बैटरी है और इसमें वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका V3 क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये तो पक्की बात है तीनों मिलके कितना आएगा, 22। तो उनका रेशियो पता चल जाए तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। मुझे बताओ क्या बता, वी बराबर IR होता है जब ये तीनों सीरीज में है, तो जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से, वही यहां से, क्या आई तीनों में सेम है, तो वी किसके प्रोपोर्शनल है, तो V1, V2, V3 किस रेशियो में आएंगे, R1, R2, R3, यानी किस रेशियो में, 3:2:6। क्या जनता समझ गई? और अच्छी बात यह कि यहां कुछ इनवर्स वाला मामला ही नहीं है, तो ये वैसे ही सिंपल रेशियो है। तो I1 का आंसर लिखना बड़ा आसान है, सॉरी V1 का कितना, 3/3+2+6 इंटू वॉट, 22। छह वोल्ट आ गया। V2 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 4। V3 कितना आएगा, 12। क्या समझ गया यार? दो का मामला हो तो फील नहीं कर लोगे? मुझे बताओ अगर मैं यहां पर कहता हूं 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट, और उसको 1 ओम और 2 ओम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताओ V1 कितना, V2 कितना, V1 और V2 नहीं हो रहा, 1:2। 60 रुपए को 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक को 20 मिलेगा और एक को, और यहां रेशियो सीधे आर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या इसको मेथड से बताया जाए? नोट कर लिया भाई लोग? अगला क्वेश्चन जनता खुद से करेगी। इसमें यार क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है यार सारे करंट्स बताना है, हर ब्रांच के करंट बताना है। ये नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन है सारे ब्रांच में हर जगह के करंट बताना है। और अब KVL नहीं यूज करना है, अब मेथड यूज करना है। मेन करंट आई कितना होगा, यही आई यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहां I1 जाएगा, यहां I2 जाएगा, यहां तो I1 I2 I3 ये हमें पता करना है। आ गया, सारे आ गए। मेन करंट क्या था, 12 आया था, 12। क्या इस सर्किट को सबसे पहले हमें रिड्यूस करके एक रजिस्टर और एक बैटरी दिखा देना चाहिए? जैसे ही तुम यार एक रजिस्टर आर इफेक्टिव लाओगे और एक बैटरी तो तुम्हें आई तुरंत पता चल जाएगा। अब आर इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, क्या ये सारे रजिस्टर का एक रजिस्टर बनाना तुम्हें नहीं आता, कहां से शुरू करोगे, कहीं से भी? ये तीनों आपस में किसमें हैं, तो इनका आर इफेक्टिव क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/6 कितना आ गया भाई जनता बताएं, ये कितना आ गया,
वन आ गया, ये तो बहुत बढ़िया आ गया। आर इफेक्टिव कितना आ गया? वन। तो बताओ ये कितना करंट सप्लाई करेगी बैटरी? आई बराबर कितना हो गया? वी बाई आर, यानी 12/1। फोर कहां से आ गया? हाँ टोटल मैं भी बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, आर इफेक्टिव अभी इतने का आया है, सॉरी सॉरी, ये आर इफेक्टिव इतने का आया है, उसके बगल में क्या है? टू। तो आर इफेक्टिव फाइनल क्या होगा? 1+2 यानी 3, ठीक है। तो डिवाइड बाय 3, तो आई कितना आ गया? आई आ गया 12/3, मतलब कितना? 4 एम्पियर। बिल्कुल आई आ गया 4। अब मुझे बताओ आई 4 आ गया, ये 4, अब क्या यहां तीन ब्रांचेस में बटना है कि नहीं? यहां सब कुछ लग रहा है, देखो सीरीज पैरेलल भी लग गया है, आई बराबर बी बाई आर भी लग गया है, और अब इस करंट को हमें तीन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के नियम क्या है? क्या नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो ये आएगा 3:2:2। तो बताओ आई वन कितना आ गया? किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था? मेन करंट 4 को। कितना आ गया पहला वाला? ये वाला कितना? और ये वाला? तीनों जोड़ के देखो जरा, 4 आ रहा है कि नहीं? ये पूरा मेथड है। अब क्या इस क्वेश्चन को अगर कोई केबीएल से सोचे तो नहीं कर पाएगा यार, बहुत लंबा हो जाएगा यार। सीरीज पैरेलल लगाया हमने, अभी तुम्हें समझ आया कि इफेक्टिव क्यों करते हैं? इफेक्टिव इसीलिए करते हैं कि इफेक्टिव कर लेने से सर्किट बहुत छोटा नजर आता है, एक बैटरी एक रजिस्टर, तो करंट लिखना आसान हो जाता है, कम से कम मेन करंट लिखना आसान है। अब आगे कितना बटा, इसके लिए दूसरी मेथड्स है हमारे पास। यार एक साथ पूरा क्वेश्चन करना पड़ जाए इसके चांस कम है, लेकिन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो तुम्हें आना ही चाहिए। कम से कम इतना अलग काम है, और ये आर इफेक्टिव लाना एक काम है, और आई बराबर वी बाई आर इफेक्टिव करना, तीन काम एक ही क्वेश्चन में हमने करे हैं। क्या जनता समझ गई है? पर्पस समझ में आया यार? अभी तक जो पढ़ा है उसका पर्पस, सीरीज पैरेलल का पर्पस, आई बराबर वी बाई आर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस, क्लियर है? हम लोगों ने यार इस क्वेश्चन से आज शुरुआत करी थी, ये क्वेश्चन याद है यार? इसमें स्पष्ट तौर पे सीरीज या पैरेलल कुछ नजर आ रहा है? कौन भाई? यहां से करंट चलेगा, यहां यहां बटेगा, ये करंट निगेटिव ढूंढता हुआ यहां से लौटेगा, यहां से आई माइनस आई वन लौटेगा, मिलके क्या हो जाएगा? मन में जल्दी से ये चल जाना चाहिए, इसको लिखना नहीं पड़ता, ये मन में चलना चाहिए। मुझे बताओ स्पष्ट सीरीज या पैरेलल में कौन है? टू और वन किसमें है? तो क्या इस सर्किट को मैं थोड़ा इजी कर रहा हूं, 2 ओम, और ये 2 और 1 कितना? 6 ओम के बगल में कितना? 3 ओम। अब मुझे बताओ रिड्यूस करने के बाद ये 6 3 किसमें आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गए तो 6 और 3 का इफेक्टिव कितना आता है? 2। तो हम यार एक बैटरी, एक 2 ओम इधर, और इधर क्या लगाने वाले हैं? एक 2 ओम, है ना? कितना हो गया भाई? क्या अब हम एक रजिस्टर लिखना चाहें तो 4 ओम लिख सकते हैं? तो बताओ मेन करंट जो ये भेजेगा कितना भेजेगा? 3। क्या पहला क्वेश्चन आ गया? मेन करंट कितना आ गया? 3। अच्छा 3 आ गया, इस वाले सर्किट पे आते हैं, यहां से 3 एम्पियर चला आ रहा है, आई बराबर 3 एम्पियर, जो 6 और 3 में डिवाइड होना है। 6 और 3 मतलब कौन सा रेशियो? तो 3 को 2:1 में डिवाइड करना, 3 रुपए को 2:1 में डिवाइड करना, 1 को 2 मिलेगा, किसको 2 मिलेगा? और इसको? क्या यही काम हम लोगों ने मेहनत करके लाया था केबीएल से? अरे यही क्वेश्चन तो आज हम लोगों ने मेहनत से लाया था। मेहनत दिखाऊंगा यार, तब तुम्हें लगेगा ये मेथड कितना जरूरी है। ये लूप 1 केबीएल फॉर लूप 2, फिर आई और I1, आई आया था कितना? 3। I1 कितना आया था? 2। और I-I1 कितना आ जाएगा? देख रहे यार, मेहनत वर्सेस मेथड।
ये मेथड है, क्लियर है? तो हमने पहले सर्किट को रिड्यूस करके इजी देखा, तो आई मेन करंट आ गया, और मेन करंट आने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के नियम सोच लिए। तो एक बार में क्वेश्चन करना यही है भाई, तो फिर वो क्या था, वो केवल इसलिए था कि केवीएल सीख पाए, केवीएल सीखना भी जरूरी है। क्या जनता समझ गई है? तो होमवर्क में यार वो क्वेश्चन जिसमें डब्बा नहीं लगा है, यस, इसका सीट है क्या? देखो यार सीरीज पैरेलल के सारे क्वेश्चंस, यानी 31 से पहले तो करना ही है,